तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 33 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। आज मेरे पास बस मार्वल मूवीज को लेकर बहुत सारे मेजर अपडेट्स है, जिसमें लोकी सीजन 1 की अल्टरनेट एंडिंग और रूसो ब्रदर्स के एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर मूवी ना डायरेक्ट करने के रीजंस के अपडेट्स है। तो अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के VFX सुपरवाइजर जेरोमे चेन ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए गवेन स्टेसी के डेथ वाले सीन पर कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जब इस सीन की शूटिंग की जाने वाली थी तब इमा स्टोन और एंड्रयू गारफील्ड जानबूझकर एक वीक तक एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। साथ ही जब सीन की शूटिंग हो रही थी तो पूरा सेट खाली और एकदम शांत था। इसी पर गवेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस इमा स्टोन ने बताया कि वो उस सीन में उनकी आंखें खोल नहीं सकती थी और वो एंड्रयू गारफील्ड का उस सीन का वो दर्द इमोशन फील कर सकती थी और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। सही में यार, मूवी में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस उसको रियल फील करवाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये इस सीन से पता चलता है। बस अभी हमको अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अगली अपडेट है आयरन हार्ट सीरीज को लेकर, जहाँ इसके सेट से ये फोटो सामने आया है जिसमें हम स्टैंटन स्वीट रीड एंड मोर वाला एक बोर्ड देख सकते हैं और शायद ये कोई स्वीट का शॉप है। और इसके बाद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस सीरीज में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक बुक से जेल्मा स्टैंटन दिखने वाली है, जो कि कॉमिक बुक में सैंक्टम सैंक्टोरम की लाइब्रेरियन थी, ठीक अपने वॉन्ग की तरह। आगे बढ़े तो लोकी के सीजन 1 से इसकी अल्टरनेट एंडिंग सामने आई है, जहाँ इसके पहले सीजन के बाद लोकी के कैरेक्टर को सेंड ऑफ दिया जाने वाला था, मतलब मार्वल स्टूडियो इसका सेकंड सीजन नहीं बनाने वाला था। इसके लिए लास्ट एपिसोड में इस कैरेक्टर के लिए अलग अलग शूट प्लान किए गए थे जो कि एक फ्लो में चेंज होने वाले थे, बट बाद में इस शो की पॉपुलैरिटी को देखकर मार्वल स्टूडियोज ने इसका सेकंड सीजन बनाने की प्लानिंग की और लास्ट एपिसोड में इस सीन को चेंज कर दिया गया। टीवी पे आते ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी पे, जहां डिज्नी प्लस ने अपनी स्ट्रीमिंग साइट पर ब्लैक पैंथर मूवी का एक कलेक्शन रिलीज किया है, जिसमें फैंस को वो सारी मूवीज देखने को मिल जाएगी जिसमें ब्लैक पैंथर का अपीयरेंस हुआ था। अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हो। इसी के साथ इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नेट मोरे ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि आयरन हार्ट स्टार रिरी विलियम्स उतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है जितनी की शूरी। भाई कोई कुछ भी कहे, हमारे लिए एमसीयू का सबसे स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट कैरेक्टर तो टोनी स्टार्क ही होने वाला है। I am Iron Man। साथ ही इस मूवी के प्रोड्यूसर रायन कुगलर ने मार्वल स्टूडियोज को कहा था कि वो मेक श्योर करे कि नेमर का कैरेक्टर किसी भी और मार्वल मूवी में यूज ना किया जाए, जिससे कि वो वकांडा फॉरएवर मूवी में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर पाए। और साथ ही उन्होंने ये भी रिवील किया है कि चैडविक बोसमैन के डेथ के कुछ दिन पहले ही उनकी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो गई थी और उन्होंने चैडविक सर को कॉल करके स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए ऑफर भी किया था, बट चैडविक सर ने स्क्रिप्ट पढ़ने से मना कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। आगे आए तो डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अगाथा कॉइन ऑफ चॉइस सीरीज में कुछ नए एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है, जिसमें अली अहन, मारिया डीजीए और ऑब्रे प्लाजा को किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि ऑब्रे प्लाजा इस सीरीज में विलेन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। आगे हम सबको पता था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम मूवी की तरह एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर मूवी को रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और इनमें से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सैंक्चुरी मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रिटन डायरेक्ट करने वाले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी को रायन कुगलर डायरेक्ट करने वाले हैं। तो अब इसी पर एक्सप्लेनेशन देते हुए रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी के लिए उन्होंने मार्वल मूवीज से ब्रेक लिया है और वो इस डिकेड के एंड होने तक मार्वल स्टूडियोज के साथ किसी भी मूवी पर काम नहीं करने वाले और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर मूवी डायरेक्ट नहीं करने वाले। अगली अपडेट है शील्ड सीरीज को लेकर, जहाँ बहुत से लोगों को लग रहा था कि इस सीरीज के एंड में जो केविन नाम का AI हमें दिखाया गया उसको एक्चुअल में आवाज खुद केविन फाइगी ने दी है, पर अभी रिसेंट इंटरव्यू में इस सीरीज के हेड राइटर जेसिका गाव ने रिवील किया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस AI को आवाज एक वॉइस आर्टिस्ट ने दी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इसको आवाज खुद केविन फाइगी दे, पर केविन फाइगी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। इसी के साथ सीरीज के फाइनल एपिसोड में जो हल्का बेटा स्कार दिखाया गया था उसके कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं और मैं तो बोलता हूँ कि इस सीरीज में दिखाए गए स्कार से कई गुना अच्छे हैं। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़े तो डेडपूल 3 मूवी में दिखने वाले वुल्वरीन एक्टर ह्यूज जैकमैन ने रायन रेनॉल्ड्स का शॉट ऑफ मजाक उड़ाते हुए ये फनी फोटो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रायन रेनॉल्ड्स के बॉडी डबल के साथ डेडपूल 3 मूवी के कुछ सीन्स की शूटिंग कर रहे हैं और वो बॉडी डबल एक बच्चा है। साथ ही एक इंटरव्यू में ह्यूज जैकमैन ने उनकी ऑल टाइम फेवरेट सुपरहीरो मूवी रिवील की है, जो कि बैटमैन की द डार्क नाइट है। यहीं पे आते स्ट्रेंजर थिंग्स
एक्ट्रेस सैडी सिंह पे, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में मैक्स का कैरेक्टर प्ले करती है। तो कुछ दिनों से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि सिंह मार्वल स्टूडियोज के साथ किसी अननोन रोल को प्ले करने के लिए बातचीत में है। पर इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सारे रूमर्स है और वो एमसीयू में अभी के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे। आगे आए तो डिज्नी प्लस के अपकमिंग सीरीज वंडर मैन से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें बॉब ऑडेनकिर्क, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इनको किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक वो सीवन्स विलियम यानी वंडर मैन के मैनेजर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतनी अपडेट थी मार्वल मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।